माइक की टेस्टिंग भी हो गई। अब हम कभी झगड़ा करेंगे फिर रॉड का माइक लगा के करेंगे डिशुम डशुम। अच्छी आवाज आएगी। कि बोल मम्मी बोल रही ना अच्छी से गुराई करना वरना मैं सास का रूप धारण कर लूंगी। तो हम दोनों ने क्या बोला? हमने बोला पहले आप सभी को मेरा प्यारा पहला महीना कार्तिक फसल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदू ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। तो आज कोई ब्लॉग लेके नहीं आ रखी हूँ, आज मैं लेके आई हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अनबॉक्सिंग किस चीज़ की होगी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपकी आवाज़ कम आ रही है करके, आपकी वॉल्यूम कम आ रही है या आवाज़ में ही ज़्यादातर दिक्कतें बता रहे थे आप लोग। हमने मंगा लिया है एक माइक, और माइक कौन सा मंगा रखा है? रॉड का। तो गाइज इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले कर ली थी खुद चेक करने के लिए, और ये हमने अमेजोन से परचेज़ किया था। तो हमने वहीं उसी पर चेक करना पड़ता है उस टाइम पे, तो हमने चेक कर लिया था ये। और अभी अनबॉक्सिंग वीडियो में घर आके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मिस्टर जी का एनिवर्सरी गिफ्ट है, हमने मिस्टर जी ने उस वीडियो पर बोला था कि हम लोग कुछ यूज वाला ही लेंगे जो हमारे यूज आ जाए। तो जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है वो ब्लॉग देख लीजिए, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी का ब्लॉग था तो उसी पर बोला था। तो मिस्टर जी ने फाइनली मुझे दे दिया है आज रॉड का माइक। तो ये देखिए वायरलेस वाला है, मिले हुए मुझे एक रिसीवर, दो माइक और विंडोज KRS केबल भी मिला हुआ है। तो करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने ये डिब्बा खोला और डिब्बे के अंदर था कैरी बैग, तो इसके अंदर है माइक और रिसीवर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैं अभी आईफोन से शूट कर रही हूँ। तो इसके बाद माइक का यूज करके मैं DSLR से शूट करूँगी। आईफोन का केबल नहीं मिल रहा है, हमने एक दो केबल मंगा के ट्राई कर ली बट वो आईफोन में नहीं हो पा रहा है रॉड के साथ कनेक्ट। तो अभी मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही हूँ, और हम आईफोन का केबल बनाएंगे। जब तक वो मेरे पास नहीं पहुँचेगा तब तक मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको रॉड के साथ के मेरी अच्छी सी आवाज़ के साथ आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे कुछ दिनों में। तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। गाइस हमने इसे पहले खोल लिया था तो इसलिए हमने इस पर डाले, वरना इसकी पैकिंग अलग टाइप से थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये माइक मिले हुए हैं और दो माइक है और एक रिसीवर है। तो ये रिसीवर है और ये है माइक, दो केबल मिला हुआ है ये। तो अब हम इसको DSLR पे करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया है मैंने रीजन आईफोन तक ही नहीं कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधे अब DSLR वाले से। सो गाइज मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधे माइक के साथ, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं बना रही हूँ ब्लॉग DSLR से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हम लोग आईफोन में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको। जब तक वो नहीं आएगा तो हम लोग DSLR से ही बनाएंगे। तो हमारे पास दो माइक हैं और एक रिसीवर है, तो एक मैंने देवरानी जी को दिया है। हम लोग अभी शूट कर रहे हैं सोनी अल्फा से 50 mm, और हमारी दूरी है 6-7 meter की दूरी है। तो हम लोग माइक का टेस्ट कर रहे हैं अभी कैसी आवाज़ आती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे आवाज़ में कुछ डिफरेंट है। आवाज़ तो वही रहेगी बट वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अब बाकी देवरानी की माइक की टेस्टिंग करते हैं, मेरी तो होगी। अब इनके लिए बताओ डायलॉग, अब बैठेगा आराम से। तो गाइज बहुत सारे दीदी के ब्लॉग में पूछते हैं कि भूमि अच्छी है, क्यूट है, ये वो। तो मैं कहना सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, और दीदी के ब्लॉग में ज़्यादातर पूछते हैं मेरे बारे में, तो इसलिए सबको थैंक यू। और माइक की टेस्टिंग भी हो गई। अब हम कभी झगड़ा करेंगे फिर रॉड का माइक लगा के करेंगे डिशुम डशुम। अच्छी आवाज आएगी। सो गाइस कल ना हम खेत में धान की गुड़ाई कर रहे थे सेकंड टाइम, तो मम्मी ने वहाँ पर कुछ बोला था। तो मम्मी से बोलना चाहती हूँ मैं अभी भी, बोले और हमने भी रिप्लाई किया था उस चीज़ पर। तो मम्मी तो आना नहीं चाहती है, तो मम्मी का रोल करेंगे। तो मम्मी बोल रही मेरे ये देखो छुपा भी दिया। तो अभी अब मम्मी ने जो बोला था वो डायलॉग भूमि बोलेंगे, और जो हम दोनों ने बोला था वो हम बोलेंगे। मैं तो भूल गई। हाँ तो मम्मी वाला मैं बोल देती हूँ, कोई नहीं आप अपना वाला बोलना। मम्मी ने खेत में हम लोग गुराई करने गए थे, तो मम्मी ने वहाँ पे एक बात बोली, क्योंकि हम दोनों को गुराई आती नहीं अच्छे से सिखाते मम्मी। तो बीच में मम्मी ने पहले के साथ जैसे होते थे वैसे ही मम्मी ने मजाक में ये बात करी कि मम्मी बोल रही ना अच्छे से गुराई करना वरना मैं सास का रूप धारण कर लूँगी। तो हम दोनों ने क्या बोला? हमने बोला हमको कम मत समझना, हम भी दो है।
आजकल की बहू का दिखाएंगे। बोला अगर आप सास का रूप धारण करोगे तो हम भी आजकल के बहू का रूप धारण कर लेंगे, हम तो दो है, मम्मी अकेले है। बोला तो गाइस पापा ने उस टाइम बोला इनके मिस्टर जी तो है नहीं, अब मैं आ गया, हम भी दो है बोल दिया वहाँ पे। मम्मी का सपोर्ट करने आ गए, पापा ने जैसे ही सुना पापा नीचे आ गए। तो है ना ये काफी कॉमेडी टाइप की बात, हम लोग खेत में हंसते हंसते पागल हो गए थे बहुत देर तक। उस टाइम पे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, अभी नहीं आ रही है हंसी, पर आप हंस लेना फिर भी क्योंकि हम इतनी मेहनत की है। झूठाई सही झूठाई सही थोड़ा हंस देना। तो बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना ली है इसकी, और आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। कुछ टाइम तक मैं ब्लॉग है रॉट के मैक से नहीं बना पाऊंगी, फिर बाद में मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि आईफोन का केबल नहीं आ रखा है और हम उसे मंगाएंगे। हमने एक केबल मंगाया पहले ट्राई करके, हमने वीडियोज में देखा कि रॉट के मैक से रॉट के मैक और आईफोन को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो उसे देख के हमने आईफोन और मैक के लिए जो केबल होती है वो हमने एक और मंगाई थी आज, जो कि हमने वीडियोज में देखी थी, बट वो भी यूज नहीं हो पा रही है। तो ये सिर्फ DSLR पे यूज हो रहा है, सोनी अल्फा है हमारे पास, तो उससे मैं अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कुछ टाइम के लिए आपको बिना माइक के और एक दो ब्लॉग वैसे ही देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास केबल आ जाएगा तो हम आईफोन से उसके बाद माइक के साथ बनाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी, ये ब्लॉग नहीं है अनबॉक्सिंग वीडियो थी, तो और मुझे अनबॉक्सिंग करनी अच्छे से आती नहीं, मैंने अभी इसके विंड नॉइज वगैरह कुछ नहीं दिखाया, बस मैं माइक की टेस्टिंग करना चाहती हूँ। और आप लोगों के कमेंट से पता चल जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो रखा है नहीं हो रखा है। तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देते हैं ना, क्योंकि ये छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो था। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइज आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो ब्लॉग बनाने में, तो मैं इसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगी, मैं अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगी आप लोगों को, एक वीडियो बनेगी इसकी स्पेशली जो कि बनेगा 50K में। तो आप लोग फटाफट से 50K कर लीजिए और मेरे सेटअप आप लोगों को पता चल जाएंगे आज तक मैंने क्या क्या यूज़ किया। अभी मेरे को 1 ईयर नहीं हो रखा है, तो 50K तक जब मैंने स्टार्टिंग 1 से किया था, सब लोग 1 से ही करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 50K तक की जर्नी भी और उसका सेटअप भी आप लोगों को मैं जल्दी दिखाऊंगी। आप लोग फटाफट से 50K कर दीजिए और मैंने वीडियो ब्लॉग बना लेना है। तो गाइस आप लोग हमारे कमेंट बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मेरे फैमिली वालों के लिए, मिस्टर जी के लिए, मेरे लिए और गोल्डी के लिए भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वैसे तो मैं रिप्लाई कर लेती हूँ, बट कभी कभी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और लाइव आके भी किसी के कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ और दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, तो थैंक यू। मम्मी ने एक बार बीच में लाइव में बोला था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो हिंदी में कमेंट वाले मम्मी पढ़ लेते हैं मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों ने हिंदी में कमेंट भी किए थे मम्मी के लिए, तो मम्मी उसके लिए थैंक यू बोल रही हैं। तो गाइस इस वीडियो की एंडिंग यहीं पर कर देते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूं आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।